अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते, जो कि मैं फेसबुक पे लगा रहा हूँ आजकल वीडियो, तो माशाल्लाह से वहाँ पे काफ़ी फॉलोइंग आ रही है नहीं, और मोस्टली लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पहले वीडियोज़ डाल रहा था ज़्यादा, बट यूट्यूब के ऊपर इतनी फॉलोइंग पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही थी, उसका व्यूअर्स नहीं है। बट फेसबुक पर मैंने देखा है कि फेसबुक पर मैंने टाइम देना स्टार्ट किया ज़्यादा, तो फेसबुक पर ये देखा मैंने कि फेसबुक पर माशाल्लाह से काफ़ी ऑडियंस एंगेज हो रही थी, और काफ़ी ऑडियंस मुझे देख रही है, माशाल्लाह से वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है ये। भाई मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, बेसिकली मैं केपी के हरिपुरा ज़ारा से मेरी ताल्लुक है, मैं वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो मैं कराची में आया हूँ, मुझे 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 साल हो गए, मैंने बर्ड्स हॉबी मेरी कहाँ से, शुरू से मुझे जो है ना पेट्स का शौक़ था, स्टार्टिंग से एज से, तो मैंने पिजन्स रखे हुए थे शुरू में, ठीक है। पिजन्स कबूतर वगैरह थे, तो कबूतरबाजी वगैरह का शौक चला हुआ था भाई, कबूतर उड़ाते थे हम, शुगल मेरा करते रहते थे, बट उसमें क्या था, नुकसान था, फ़ायदा कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्या कि मैं जब तक एक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ रहा था, तो मैंने तयाबू ने कॉकटेल्स वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, कॉकटेल को ना मैंने ऐड लगाया ओएलएक्स के ऊपर, तो कॉकटेल सेल हो गया ऑनलाइन ना, तो मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये सेल भी होता है, कबूतर वगैरह सेल नहीं होते थे, मुझसे शौक था, पैसा वेस्ट था, टाइम वेस्ट था, और बदनामी अलग हो रही थी। तो मैंने पहली दफ़ा एक चीज़ देखी, मैंने कहा यार ये शौक का शौक हो रहा है, पैसे का पैसा है, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे कॉकटेल सेल करे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये सही है, मैं यहाँ पार्ट टाइम, मैंने कहा यार इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर लेना चाहिए। तो मैं स्टडी भी कर रहा था यार, यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहा था, साथ साथ मैंने किया बजरी वगैरह लेना रखना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसी तरह सीखना शुरू कर दिया कि यार बजरी कैसे, मेल की पहचान क्या होती है, फीमेल की पहचान क्या होती है, इस तरह मैंने बजरी से और कॉकटेल से और जावा से वहाँ पर स्टार्ट ले लिया था। ऐसा से करते करते यह हुआ, मैंने स्टडी करता गया, स्टडी फिर मुझे कुछ मजबूरियों के तौर पर ड्रॉप करनी पड़ी, क्योंकि मेरे वाले साहब की डेथ हो चुकी थी, मैंने ड्रॉप करके इस काम को मैंने एज अ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हरिपुर में मैं आ गया, हरिपुर में आके मैंने इसको मैंने ना बढ़ा लिया। तो मैं क्या करता था, इस्लामाबाद वगैरह पिंडी वगैरह जाता था, वहाँ पे जाके अच्छे बर्ड्स जो थे बाइंग कर लेता था, वहाँ पे क्वांटिटी में 1-1.5-2 लाख रुपए के बर्ड बाय करके लाके उनको अपने पास रखता था, ब्रीड करवाता था, और फिर ला के डिफरेंट मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फिर मैंने क्या करता था उसके ऐड लगा के सेल करता था, तो डिफरेंट सिटी में जैसे हो गया पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, मानसेरा, एबटाबाद, ठीक है, अटक वगैरह, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में मेरे बर्ड जाना स्टार्ट हो गए थे। तो माशाल्लाह से अल्लाह ने इज्जत देनी स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ वहाँ से, फिर वो डेफिनेटली बात है मेरी सिटी छोटी थी, वहाँ पे कारोबार वगैरह इतना खास था नहीं, ठीक है ना, मुझे डिफरेंट सिटी में मेरे बर्ड सेल हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ मैं कराची आ गया, मैंने कराची एक बड़ा शहर है, तो कराची में आके मैंने हार्डवर्क स्टार्ट किया। तो कराची में स्टार्टअप में भाई मैं जो शुरू में आया, तो डेफिनेटली बात है मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश करी, जॉब्स मुझे मिल नहीं रही थी, जॉब्स के लिए मैंने जरा दर बड़ा ठोकरे खाई, इवन के ये जो इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्रियों में सीवी लेकर खड़ा था कि मुझे लेबर में कोई रख ले, तो लेबर में मुझे कोई नहीं रख रहा था, तो वही बात है नसीब में जॉब थी ही नहीं। तो मैंने फिर क्या किया, हार्डवर्क करता रहा करता रहा करता रहा, फिर मैंने किया कराची में आके मैंने बाइकियाँ स्टार्ट कर दिया, मैं बाइकियाँ चलाता रहा, डिफरेंट शॉप्स में काम करता रहा करता रहा, बट मुझे उस तरह की क्या डेफिनेटली सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था। मैं कराची में आया था, मैं जीरो था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, मैं 2.5 से 3 साल ज़मीन पर भी सोया हूँ, ठीक है ना। क्यों अपनी ये आपको क्या बता रहा हूँ, मोटिवेट के लिए कि भाई मेरी अपनी आपको मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, मैं बेसिकली बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे पापा की डेथ हो गई थी, 90s के ऑफिसर थे, पीटीसीएल में जॉब करते थे, तो मैंने अपना स्टेप लिया, कराची मूव ऑन हुआ कि मैंने कहा नहीं भाई मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली ना, अपने पेरेंट्स की हेल्प ली ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की ली ना, अपने ताए चाचू के लिए, मैंने जो स्टेप लिया मैंने अपने खुद मुख्तारी पे लिया, मैंने कहा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे होकर लिया, मैंने कराची में आके यहाँ पे हार्डवर्क किया, ठीक है, मैंने बाइकें चलाया, बाइकें चला के मैंने 12 पोर्शन केज से मैंने स्टार्ट लिया, 12 पोर्शन केज में मैंने रेनबो बजीज से स्टार्ट लिया, रेनबो बजीज का मुझे बड़ा पसंद था, नई नई चीज़ आई थी, तुर्की वालों को मैं देखता था, फिर उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस लगाना शुरू कर दिया रेनबो बजीज की वजह से, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी रेनबो बजीज वर्ल्ड के नाम से ही आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहाँ से मुझे इज्जत देना शुरू कर दी, लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया, प्यार देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे एक जो है हारिस भाई एचटी बर्ड्स वाले हैं वो सऊदी में, तो उन्होंने मुझसे रेनबो बजीज खरीदे, रेनबो बजीज उन्होंने मुझसे खरीदे, तो उनको ना मैं उनके घर 2-3 दफ़ा बर्ड्स देने के लिए गया, तो उन्होंने कहा यार आदिल अगर आप मेरे बर्ड्स मेरे पास कुछ रखे हुए हैं, अगर आप ये बर्ड्स मेरे उनको देख आके देख लो, उनकी पेयरिंग्स वगैरह कर दो, तो मैं जाकर उनकी पेयरिंग्स वगैरह कर दी। तो मुझे कह रहे कितने पैसे लोगे, मैंने कहा मुझे तो उस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बर्ड्स के देखने के भी पैसे होते हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बर्ड्स को देखने के, बर्ड्स को आप जाके चेक करने के भी आपको पैसे मिलेंगे। तो उसने वो पहला इंसान था जिसने मुझे जो है ना उस टाइम मुझे हायर कर लिया अपने पास, वो पर विजिट के मुझे 1000 रुपीज़ देते थे, हफ्ते में मैं एक दिन विजिट करता था, 4 हफ्तों में मतलब कि 1 महीने में 4 से 5 विजिट करता था, मुझे 4 से 5 हज़ार मिलते थे, फ्यूल के वो पैसे अलग थे। उसके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसने मुझे फिर अपने पास मंथली बेस पे हायर कर लिया, उसके बाद फिर मैं बढ़ जाकर देखता था, पेयरिंग्स करता था, उनको ब्रीडिंग कर लगाता था, सफाई वगैरह सारा कुछ वो लोग करते थे, उनके भाई वगैरह, तो उनको मैंने कीपिंग करते 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 वहाँ से मेरा अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी शुरू कर दी। इसी तरह फिर मुझे एयर वाई के वाइस प्रेसिडेंट हैं
अशरफ अली सिद्दीकी साहब, उन्होंने मुझे हायर कर लिया अपने पास। तो उनके पास जाके मैंने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो मेरी सैलरी लगी उन्होंने मुझे पे दी थी, मुझे उन्होंने 50,000 सैलरी पे रखा था। तो मैं सुन के भी शौक हो गया था कि मुझे यार 50,000 सैलरी मुझे मिल रही थी इतने ख्वार होने के बाद सिर्फ जहाँ पर जाके एसी के कमरे में बैठना है, बर्ड्स को देखना है, सारी चीज़ें करना है। तो मुझे अल्लाह ने वहाँ से तरक्की देना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने जब किया फिर उसको फिर मैंने बड़ी सेक्रीफाइस देखे करता रहा, ठोकरे खाता रहा, ठोकरे जॉब नहीं मिली। फिर मैंने इसको फुल टाइम फोकस कर दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी भी आ रही थी, चीज़ें भी आ रही थी। उसको मैंने फिर क्या किया, बर्ड्स को मैंने अपने अपग्रेड करना शुरू कर दिया। फिर मैंने किया जो मेरे रेनबो बजीज थे उनको 12 पोर्शन पिंजरा था मेरे पास, उनकी मेरे पास प्रोडक्शन आके उसको मैंने सेल किया। सेल करने के बाद मैंने नए पिंजरे लिए, बिल्कुल 10-15 पिंजरे लिए। फिर उसके मैंने शर्ट क्रिएट करा, उसमें फिर मैंने रेनबो बजीज लगाए, उसके अंदर मैंने लव बर्ड्स लगाए, जावास लगाए, कॉकटेल्स लगाए। इस तरह करते 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 स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप करते करते अल्लाह ने मुझे तरक्की देते रहे और आज इस लेवल पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे मेरे पास विद पार्टनर मेरे साथ इन्वेस्टर एक मिला हुआ माशाल्लाह से हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किए सारी पेमेंट, ठीक है। 15 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेटअप लगा हुआ, जिसमें मेरे पास लबर्ट्स की अल्बाइनोस, जैकिनोस, क्रीमिनोस, ब्लूटूथ की वर्किंग लगी हुई है, जावास लगी हुई है और कुछ रेनबोज बजेज लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ कॉकटेल के पेड़ लगाए हुए मैंने। तो इस लेवल तक आने के लिए मुझे भाई 7-8 साल लगे हैं बर्ड्स की फील्ड में, ठीक है ना। सीख के काम कर रहा हूँ और मैं फुल टाइम अब बर्ड्स से काम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ। मगर उसके लिए आपके पीछे 7-8 साल की मेहनत भी है। इसमें मेरे पास अरूज भी आया, मेरे पास जवाल भी आया है। क्योंकि जवाल इस वजह से आया कि जब मैं लास्ट ईयर बीमार हो गया था तो डेफिनेटली बात है मैं बर्ड्स की ब्रीड नहीं ले पाया था, उस वजह से मैं क्राइसिस में आ गया। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं जो है उनको पता है कि मैं क्राइसिस में आ गया, इवन कि मैंने अभी भी 4-5 लाख रुपए लोगों का कर्जा भी देना है, ठीक है। बट वो मसले वाली बात ही है, इंशाल्लाह इस साल जो मेरी प्रोडक्शन आएगी तो उसको मैं सेल करके उनका कर्जा भी इंशाल्लाह उतार दूंगा। तो ये वो वाली बात है कि मैं अपना आपको बताने का मकसद ये है कि भाई इस फील्ड में पैसा बहुत है बट आपको क्या पेशेंस की ज़रूरत है, और आपको सीखे बगैर काम करोगे तो नुकसान है। अगर आप सीख के काम करोगे तो इसमें बहुत आप आगे जा सकते हो, बहुत लेवल है इसके अंदर, ठीक है ना। लोग इसमें से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नवीशिक मेरा आइडियल बंदा है, ठीक है, वो आया था कहाँ से, लंदन से आया, तो उन्होंने 40-50 लाख का नुकसान किया। आज वो माशाल्लाह से बर्ड्स की वजह से एक अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि दुनिया के कहाँ हर मुल्क में जाता है, ठीक है, उसको लोग जानते हैं, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। जहाँ पे वो शेखों के पास भी जा रहे हैं वहाँ भी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान की किसी भी सिटीज में जा रहे हैं वहाँ भी उनकी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ एक बर्ड्स की वजह से, ठीक है। तो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, उसने बर्ड्स से ही सारा कुछ बनाया है, अल्लाह उसको बहुत इज्जत दे, ठीक है। तो मेरा आइडिया है उसने वीडियोस बनाते थे, लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू करी, उनको देखा देखी मैंने भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। आज जो मैं इतना बोल सकता हूँ सब कुछ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया तो उनको देख देख के आया, अदरवाइज मेरे अंदर इतनी शाइनेस थी कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं आ सकता था। तो भाई मैं फुल टाइम बर्ड्स का फील्ड पे काम कर रहा हूँ। कराची में मेरी अभी जो लोकेशन है वो मलीर की है, ठीक है, मलीर में मैं काम कर रहा हूँ। और इस बर्ड्स की हॉबी को प्रमोट करने के लिए जो मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ निकाली है जो इस वीडियो बनाने का मकसद भी है, देखो बर्ड हर बंदा ब्रीड करवा लेता है, बर्ड बाइंग भी कर लेता है, डिफरेंट ब्रीडर से जाकर बाय भी कर लेता है, बट क्या वो ब्रीडर अपने आपकी जो प्रोडक्शन आती है उनके बच्चे वापस खरीदते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ब्रीडर से जाकर एक पेयर खरीदा अल्बानियन लड़ाई का, क्या वो उसके बच्चे वापस खरीदेगा आपसे? पॉसिबल ही नहीं, लोग नहीं खरीदते। तो बट मैंने ये सोचा है कि आजकल जो सिचुएशन मार्केट की चल रही है उसको देख के ये सोचा है कि जो नया फैंसियर आता है जिसको बर्ड सेल करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो मुझसे मेरी होम ब्रीड खरीदेगा तो उसके जो पहले क्लास के बच्चे होंगे वो सारे के सारे मैं इंशाल्लाह उससे खरीदूंगा। उससे क्या हुआ, जो उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, फॉर एग्जाम्पल उसने 20,000 का पेयर लिया या 10,000 का पेयर लिया या 50,000 का पेयर लिया है, तो उसकी पहले क्लच की जो उसकी प्रोडक्शन उतरती है उतरेगी, ठीक है, जो उसके पहले उसमें जो बच्चे आएंगे वो जब मैं उनसे बाय कर लूँगा तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल होगी वो निकल आएगी। तो उसके बाद उसका लॉस वाले टेंशन खत्म है, जब तक उसके पास बर्ड ब्रीड करता रहेगा वो उसको प्रॉफिट देता रहेगा। तो मुझसे जो बंदा बाय करेगा मेरे होम की ब्रीड तो उसके बच्चे जो है मैं वापस उससे खरीदूंगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करके उससे खरीदूंगा, सोशल मीडिया पे वीडियो भी लगाऊंगा, ठीक है, ओपनली ये बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे से जो मैं सोच रहा हूँ मेरे से कोई फायदा हो सकता है नए फैंसियर्स का तो मैं उसके लिए करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में बहुत ब्रीडर आ चुके हैं, बहुत प्रोडक्शन आ रही है, बट बर्ड लोग बर्ड ब्रीड करवा लेते हैं बट बर्ड सेल नहीं हो पाते उन लोगों से। तो सेल होने की वजह से क्या करते हैं, वो बेचारे डिसहार्ड हो जाते हैं, वो जाके ब्रोकर्स को बर्ड देते हैं, ब्रोकर्स को बर्ड देने से मार्केट क्रैश कर रही होती है और दिन ब दिन लॉसेस की तरफ गेम जा रही है। तो इसलिए मैं कोशिश ये कही है कि मेरे तरफ से अगर किसी का फायदा हो सकता है तो मैं उसको करने की कोशिश करूँ। वो मैंने ये निकाला है कि भाई जो मेरे होम ब्रीड लेगा उसके मैं बच्चे जो आएंगे उस पेयर के या जो से वो मेरे से बर्ड खरीदेगा उनके बच्चे मैं उनसे बायर करूँ अगले साल। तो इससे ये क्या फ़ायदा होगा कि उसके बाद जो उसने बेचारे ने जो बाइंग उसने मेहनत करनी है, उसने सिर्फ ब्रीड करवाने पर मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह उसको सेल करने का मसला नहीं होगा, उसके बच्चे मैं खुद खरीदूंगा इंशाल्लाह। उससे खरीदने से क्या होगा, जो मेरी इस तरफ से उसकी हेल्प हो सकी होगी वो हो जाएगी। इसी तरह जो है
और जो नए फैंसियर्स होंगे आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करना स्टार्ट करो लोगों को कि उनसे ब्रीड खरीदना शुरू करो। नए फैंसियर से जब आप ब्रीड खरीदोगे ना तो उसको हौसला बढ़ेगा, वो 10 नए फैंसियर और लेके आएगा, उससे क्या होगा, एक जो ये हमारी जो वर्ल्ड फर्टिलिटी है ये जो है ग्रोथ करेगी, ये डिग्रेड होता जा रहा है, हम एक दूसरे के टांगे खींच रहे हो, मेरी वीडियो मैंने बनाई इस पर भी लोग हंसेंगे, इस पर भी लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे, यार ये है ऐसा है वैसा है फलाना है, क्योंकि हम किसी को कोई पॉजिटिव काम करने नहीं दे सकते, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लोगों का मैं लोग जो बोलते हैं बोलने दे, मेरी नीयत साफ है, मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरा साथ देगा, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना बातें करने का फायदा नहीं है, काम करके दिखाना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा, जो मुझसे बर्ड खरीदेगा इंशाल्लाह मैं उससे बर्ड वापस खरीदूंगा, जो मेरी होम प्रोडक्शन वापस ले खरीदेगा मुझसे, ठीक है, ये इसलिए मैंने अनाउंसमेंट किया है ताकि भाई जो लोग नए हैं, ठीक है, जिनको मसला हो रहा था बर्ड तो वह ले लेते, ब्रीड नहीं करवा पा, ब्रीड करवा लेते सेल नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये बात है, ठीक है, जो ब्रीडर बड़े पुराने हैं उनके लिए ये बात नहीं है, ये नए फैंसियर के लिए बात है, क्योंकि बेचारे मार्केट में उधर तो आते हैं बेचारे मजबूर हैं, आजकल बेरोजगारी इतनी है कि एक काम से काम नहीं चल रहा, तो इसलिए 2-3 काम करने पड़ रहे हैं तब जाके घर का सर्कल चल रहा है, तो उन लोगों की जो हेल्प हो सकती है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं उनको अपने बर्ड सेल करूंगा इंशाल्लाह, अगले साल उनसे बर्ड वापस खरीदूंगा ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी वो वापस निकल आए और उनकी हॉबी भी प्रमोट हो और वो आगे जाके 10 लोगों को और जो है ना इस फील्ड के अंदर लेके आए, क्योंकि जब एक इंसान नया फैंसियर आएगा उसका जब प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली बात है वो अपने दोस्तों को औरों को भी बताएगा कि भाई ये फील्ड अच्छी है आप भी इस फील्ड में आओ, तो इसी तरह फर्टिलिटी ग्रोथ करेगी, बर्ड की जो एग्रीकल्चर है ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रोथ करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ये मेरा छोटा सा इंट्रो था जो मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकता है 0307777989 0307777988 मेरा नंबर है, मोहम्मद आदिल मेरा नाम है, कराची में मेरी मलीर लोकेशन है, ठीक है, कोई कांटेक्ट कर सकता है कांटेक्ट करना चाहिए कांटेक्ट कर सकता है, बाकी ज़रूरी नहीं बर्ड लेने के हवाले से, बर्ड्स के कोई इश्यूज़ है आपको, बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करते हैं एनी टाइम, इंशाल्लाह आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।